सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ चुके हैं कैमरा जूमिंग टेस्ट, जो कि इस बार इन्फिनिक्स नोट 40X 5G डिवाइस का कैमरा जूम टेस्ट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस डिवाइस में 108 मेगापिक्सल का ये ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें 10x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट आता है। सो ऐसे में कैमरा जूम टेस्ट करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो कैमरा है कितना दूर से ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है, कितना दूर से ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोटोज कैप्चर कर सकता है। एंड इसके बाद दोस्तों सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा दोनों की भी जो कैमरा सैंपल्स है वीडियो के लास्ट में दिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते है। सो फ्रेंड्स, ये है इन्फिनिक्स का सबसे बेस्ट बजट 5G डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 40X 5G। आज की वीडियो में इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। एंड कैमरा टेस्टिंग करने से पहले जल्दी से इसके कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इस डिवाइस में 108 मेगापिक्सल का ये ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड तीसरा आपको एक लाइट सेंसर आता है। वैसे सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल का AI सुपर सेल्फी कैमरा भी आता है। एंड दोस्तों इस इन्फिनिक्स नोट 40X 5G डिवाइस से मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है, जैसे कि सेल्फी कैमरा हो या फिर रियर कैमरा हो। इंडोर प्लस आउटडोर में मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है। सो अगर आपको सारे के सारे कैमरा टेस्ट के सैंपल देखने हैं तो वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव की लिंक को चेकआउट करके देख सकते है। तो चलिए दोस्तों फोन को घुमाते हैं एंड करते हैं कैमरा एप्लीकेशन को स्टार्ट। एंड कैमरा एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद इसमें देख सकते हैं काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको AI कैमरा मतलब कि जो रेगुलर फोटो मोड है उसमें ही आपको यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड प्रो मोड मिलता है। सो अगर आपको यहाँ पे 108 मेगापिक्सल से फोटोज कैप्चर करना है तो 108 मेगापिक्सल मोड को ऑन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फ्रेम साइज को भी चेंज करना है सो फ्रेम साइज को भी चेंज कर सकते हैं। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फिल्टर्स भी अवेलेबल है, सो फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक टाइप की सेटिंग्स उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इसके जूमिंग के बारे में बात करेंगे तो 1x मोड से लेकर मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 10x तक यहाँ पे जूमिंग का सपोर्ट आता है। तो चलिए दोस्तों कैमरा जूमिंग टेस्ट करने के लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट को टारगेट किया है जो कि एक मंदिर है, एंड ये जो मंदिर है मेरे एंड से 500 मीटर्स के दूरी पे है। तो चलिए देखते हैं कि कितना क्लियरली फोटोज कैप्चर करता है, कितना क्लियर कट यहाँ पे मंदिर एंड उसका जो क्रेश है वो यहाँ पे विजिबल करता है। क्योंकि दोस्तों बाकी भी डिवाइसेस का जो कैमरा जूमिंग टेस्ट इसी सेम लोकेशन से करते हैं, एंड बाकी फोर्स में जो कलर से मंदिर काफी क्लियर कट विजिबल हो गया था। सो चलिए कैमरा जूमिंग टेस्ट को शुरुआत करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि 1x मोड, जो कि हमारा रेगुलर फोटो मोड है। एंड ध्यान में रखें इस फोन में कोई भी 0.6 मतलब कि कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो चलिए 1x मोड में स्विच करेंगे एंड 1x मोड में स्विच करने के बाद इसका एक रेगुलर फोटो कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद अगले डिजिटल जूम के बारे में बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली 3x का यहाँ पे मोड मिलता है। तो चलिए 3x मोड में स्विच करेंगे एंड 3x मोड में स्विच करने के बाद मंदिर हल्का सा यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा क्लियर कट देखने को नहीं मिलता। लेकिन चलिए 3x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। चलिए इसके बाद स्विच करेंगे अगले जूमिंग मोड में। वैसे इसमें कोई भी जूमिंग का बटन तो नहीं है, लेकिन मैन्युअल हम यहाँ पे 6x में जूम करेंगे। तो चलिए 6x में जूम करने के बाद यहाँ पे जो मंदिर है वो तो हल्का सा देखने को मिलता है, उसका जो कलेश है वो भी हल्का सा देखने को मिलता है। तो चलिए हम क्या करेंगे 6x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। चलिए दोस्तों अगले जूमिंग मोड के बारे में बात करेंगे जो कि हम यहाँ पे मैन्युअली स्विच करेंगे 8x मोड में। सो 8x मोड में स्विच करने के बाद यहाँ पे जो मंदिर है वो भी देखने को मिलता है, जो घर है वो भी देखने को मिलता है। एंड गौर से देख सकते हैं मंदिर के बैक साइड में जो भी पेड़ वगैरह है पौधे वो भी हमको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे 8x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद सबसे लास्ट मोड में स्विच करेंगे जो कि 10x मोड। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10x मोड में स्विच करने के बाद यहाँ पे जो मंदिर है वो भी क्लियर कट देखने को मिलता है, जो कलश है वो भी क्लियर कट देखने को मिलता है, बैकग्राउंड में जो पेड़ पौधे वो भी हमको क्लियर कट देखने को मिलता है। लेकिन 10x मोड में हल्के से नॉइस एंड ग्रीन्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड जो पिक्सल क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो चलिए सारे के सारे ओरिजिनल सैंपल को 1x1 देख लेते हैं। सो ये है रेगुलर 1x मोड का सैंपल। इसके बाद यह 3x मोड का जूमिंग सैंपल। एंड इसके बाद यह मैन्युअली 6x का सैंपल जिसमें मंदिर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इसके बाद यह 8x मोड का सैंपल जिसमें मंदिर कलर्स उसके बाद बैकग्राउंड में जो पेड़ पौधे वो भी क्लियर कट देखने को मिलते हैं, पिक्सल क्वालिटी वो भी काफी ठीक ठाक देखने को मिलती है। एंड इसके बाद यह लास्ट 10x मोड का सैंपल जिसमें मंदिर भी क्लियर कट दिखता है, कलर्स भी क्लियर कट दिखता है, जो बैकग्राउंड में पेड़ पौधे वो भी क्लियर कट दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से नॉइस एंड ग्रीन्स एड हो चुके हैं।
एंड दोस्तों 10x जूमिंग में यहाँ पे 108 मेगापिक्सल एंड विदाउट 108 मेगापिक्सल की भी सैंपल देख सकते हैं। सो सैंपल देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका कैमरा जूमिंग क्वालिटी कैसा है। एंड ओरिजिनल सैंपल देखने के लिए गूगल ड्राइव लिंक को चेकआउट करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों अगले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि 108 मेगापिक्सल का प्रो मोड। जैसे कि अगर आपको 108 मेगापिक्सल से कुछ फोटोज कैप्चर करना है तो मैंने भी कुछ फोटोज कैप्चर की है, तो चलिए 108 मेगापिक्सल के सैंपल भी चेकआउट करके देख सकते हैं। सो ये है कुछ 108 मेगापिक्सल के कैमरा सैंपल्स। एंड कैमरा सैंपल्स को थोड़ा सा जूम करेंगे तो इस टाइप के आपको यहाँ पे पिक्सल क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो अगर आपको हाई रेजोल्यूशन में कुछ फोटोज कैप्चर करना है, हाई डेफिनेशन में फोटोज कैप्चर करना है, सो 108 मेगापिक्सल से फोटोज कैप्चर करेंगे तो काफी बेटर आपको पिक्सल क्वालिटी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले मोड के बारे में जो कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड प्रो मोड मिल जाता है। वैसे प्रो मोड में यहाँ पे मैनुअल वैल्यू सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इस मोड के डिजिटल जूम के बारे में बात करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 10x यहाँ पे जूमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे प्रो मोड में ज्यादा कुछ खास यहाँ पे फीचर्स तो नहीं है, मतलब कि जेपीईजी मोड या फिर जो भी रॉ मोड है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो फ्रेम साइज है, बेसिक टाइप की सेटिंग्स वगैरह वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्विच करेंगे यहाँ पे 1x मोड में। एंड 1x मोड में यहाँ पे रेगुलर फोटो को कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद हम स्विच करेंगे 3x मोड में। तो चलिए 3x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद मैन्युअली स्विच करेंगे 6x जूमिंग में। तो चलिए 6x जूमिंग में हम यहाँ पे एक फोटो कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद दोस्तों अगले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि 8x मोड। सो मैन्युअली हम क्या करेंगे, 8x मोड में जूम करेंगे। एंड 8x मोड में देख सकते हैं जो मंदिर है वो भी क्लियर कट देखने को मिलता है। एंड जो बैकग्राउंड में पेड़ पौधे वो भी यार ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। वैसे प्रो मोड में थोड़ी सी जो पिक्सल क्वालिटी है वो हमको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। चलिए इसके बाद स्विच करेंगे सबसे लास्ट मोड में जिसका नाम है 10x मोड। तो 10x मोड में स्विच करने के बाद उसका भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। एंड चलिए सारे के सारे ओरिजिनल सैंपल वन बाय वन देख लेते हैं। सो ये है प्रो मोड का 1x मोड का जूमिंग सैंपल। उसके बाद ये 2x मोड का जूमिंग सैंपल। एंड इसके बाद ये 5x मोड का सैंपल जिसमें मंदिर यार क्लियर कट देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद ये 8x मोड का सैंपल जिसमें मंदिर भी क्लियर कट देखने को मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा नॉइस वगैरह ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद ये 10x मोड का सैंपल जिसमें जो पिक्सल क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। चलिए दोस्तों इसके बाद स्विच करेंगे डेडिकेटेड वीडियो मोड में, क्योंकि यार काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि वीडियो का जो क्वालिटी टेस्ट है, मतलब भी जूमिंग की पावर है, वो भी शो कीजिए। सो वीडियो मोड में आएंगे। एंड वीडियो मोड में आने के बाद यहाँ पे जूम के बारे में बात करेंगे तो 1x मोड से लेकर मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 10x का यहाँ पे मैक्सिमम डिजिटल जूम का सपोर्ट आता है। बाकी दोस्तों काफी सारे फिल्टर्स एंड काफी सारे आपको सिनेमेटिक फ्रेम्स का भी सपोर्ट आता है। सो फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करना है सो फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको फ्रेम वगैरह अप्लाई करना है सो फ्रेम को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सिनेमेटिक फ्रेम्स है, व्लॉगिंग के फ्रेम्स है, तो फ्रेम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर, आपको यहाँ पे बोके वीडियो का भी सपोर्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट में यहाँ पे बोके वीडियो को शूट करना है सो इस डिवाइस में आपको बोके वीडियोस का भी सपोर्ट आता है। बाकी आपको यहाँ पे ब्यूटीफाई मोड के फीचर्स आते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 1080 पिक्सल एट 60fps एंड 2K एट 30fps का सपोर्ट आता है। फ्लैश लाइट का भी सपोर्ट आता है। तो चलिए मैंने 2K एट 30fps में एक वीडियो को शूट करके रखा है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली उसका ओरिजिनल सैंपल है वही चेकआउट करेंगे। सो फ्रेंड्स ये 2K एट 30fps का फुटेज। वैसे अगर आपको वीडियोग्राफी शूट करना है सो 1x मोड में जो रेगुलर 1x मोड रहता है काफी बेटर तरीके से पिक्सलाइजेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको जूम करना है सो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 4x या फिर 5x तक ही जूम कर सकते हैं, क्योंकि 4x 5x के बाद अगर आप उसको जूम करेंगे तो दूर का ऑब्जेक्ट है वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन जो पिक्सल क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है, जो पिक्सलाइजेशन वो काफी ज्यादा फट जाते हैं। सो गौर से देख सकते अगर आपको यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कलर्स है काफी बेटर एनहांस टाइप के कलर्स देखने को मिल जाते हैं, काफी एक्यूरेट आपको यहाँ पे स्मूथ वीडियोग्राफी देखने को मिलती है। सो अगर आपको बेटर वीडियोग्राफी शूट करना है सो 1x मोड में काफी बेटर वीडियोग्राफी शूट कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 4x तक यहाँ पे काफी बेटर पिक्सलाइजेशन के साथ वीडियोग्राफी शूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसे कुछ आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी इन्फिनिक्स नोट 40x 5G डिवाइस की। एंड इसके बाद दोस्तों इस डिवाइस से मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स भी कैप्चर किया है, जैसे कि सेल्फी कैमरा है, रियर कैमरा है, इंडोर प्लस आउटडोर से कैमरा फोटोज कैप्चर किया है। तो चलिए उसके भी रिजल्ट चेकआउट करके देख सकते हैं।
सेल्फी कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा दोनों से भी कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है। इस इसमें आपको जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स है वो भी काफी बेटर देखने को मिलते हैं। कलर्स के बारे में बात करेंगे तो काफी बेटर एक्यूरेट आपको एनहांस टाइप के कलर्स देखने को मिलते हैं। लिकनाइज डेस में आपको पोर्ट्रेट मोड में ट्विक्स मोड का जूमिंग सपोर्ट आता है जिसके वजह से पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। काफी बेटर आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में सैंपल्स देखने को मिलेंगे। वैसे पिक्सल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो 108 मेगापिक्सल की वजह से काफी बेटर आपको पिक्सल एंड पिक्चर क्लैरिटी देखने को मिलेगी। वैसे डायनेमिक रेंज के बारे में बात करेंगे तो डायनेमिक रेंज वो भी काफी सही एक्यूरेट है। वैसे आउटडोर में जो रियर कैमरा उसमें जो हाइलाइट्स एंड जो भी शैडोज है काफी वेल मेंटेन करता है। वैसे आपको सारे कैमरा सैंपल्स कैसे लगे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था इन्फिनिक्स नोट 40X 5G डिवाइस का कैमरा जूमिंग टेस्ट। वैसे दोस्तों आपको इस डिवाइस का कैमरा क्वालिटी कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।